नमस्कार भारतवासियों, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। जौनपुर में मृतक के परिवार के दुख में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर खूब चर्चा में है। जहां नेताजी अखिलेश यादव ठाट से सिंहासन पर विराजमान है, तो वहीं भोली भाली प्रजा नेताजी के चरणों के सामने आसीन है। तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने ही सोशल मीडिया पर साझा की है, लेकिन इस तस्वीर को शेयर करते हुए तंज कसना एक महिला को भारी पड़ गया। महिला पर सपाई सैनिकों ने अब शब्दों की बौछार कर दी और न्यूनतम संस्कारों का भी अंतिम संस्कार कर डाला, जिसके बाद उनके सपाई पति ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अखिलेश यादव जी मातम वाले घर में मेवे नहीं चखे जाते। आपका नेता आपके मन में जगह बनाए बैठे गुलामों वाले एहसास को कभी कम नहीं होने देता। इस तस्वीर में ही देखिए, आपका नेता ठाट से अपने आसन पर विराजमान है। ऊपर की छत जिस हालत में है वो बता रही है कि सामने रखी बिस्लेरी की बोतल उसने पहली बार देखी। नीचे बैठे परिजन जानते हैं कि उनके सामने राजा बैठा है और आजू बाजू कुछ पीछे खड़े छुटपैये नेता बस सेल्फी लेने की होड़ में है, ताकि उनके सम्राट के जाने के बाद सेल्फी को सोशल मीडिया पर डालकर लिख सके कि माननीय नेताजी के साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इन तस्वीरों को देख बस यही एहसास होता है कि ये नेता आपके नेता नहीं बल्कि ड्रामा कंपनी के लोग हैं, जो माहिर हैं आपकी भावनाओं के साथ खेलने में। ये महज सपा, बसपा, भाजपा या फिर कांग्रेस का मामला नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी पार्टी में ऐसे कलाकार मौजूद हैं। ये वही अखिलेश यादव है जो पिता के नाम के सहारे आज मुखिया बनकर अपनी राजगद्दी पर विराजमान है, और संघर्ष करने वाला भाई बेघर हो जाने के बाद अपने सम्मान को जीवंत बनाए रखने के लिए कुछ कार्यकर्ता लेकर आज भी अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव जी के साथ तस्वीर लगाते हैं। लेकिन खतरा यहां भी है, इतने बड़े नेताओं पर टीका टिप्पणी करने पर इनके चमचे ये भी नहीं देखते कि सामने महिला है या पुरुष। पार्टी की भाभी और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव पर जब कुछ पार्टी के ही गुंडे टीका टिप्पणी कर देते हैं, तब डिंपल यादव अकेले सभाओं में आना बंद कर देती है। लेकिन ये सहूलियत सभी के पास तो मौजूद नहीं, ऐसे में स्वाभिमान को लेकर कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही पंखुड़ी पाठक ने भी सपा से टाटा बाय बाय किया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन जब उन्होंने ऊपर दिखाई गई तस्वीर को शेयर कर दिया और एक तंज कसा, तब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जिन्हें हम आपको बोलकर बता भी नहीं सकते, कि जिन्हें सुनकर एक गालीबाज भी हाय तौबा कर जाए, महिला सम्मान को कब्र भी नसीब ना हो। ऐसे ऐसे भद्दे शब्दों को फेंक फेंक कर पंखुड़ी पाठक को उनकी हैसियत बताते ये कार्यकर्ता दिख रहे थे कि पार्टी कब, कैसे और कितनी अधिक दिशाहीन हो चुकी है। बदले में पंखुड़ी पाठक ने भी कह दिया, कुछ नहीं होना, मैं कोशिश कर चुकी हूँ, अखिलेश यादव को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2017-2018 के बीच समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझ पर जाति सूचक व महिला विरोधी टिप्पणियां करते रहे। मैंने यह बात अखिलेश व डिंपल यादव जी के सामने रखी ही नहीं, उन्हें अपने हाथ से उन लोगों की लिस्ट भी सौंपी। महीनों इंतजार के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समाजवादी पार्टी के कुछ सज्जन लोग सोचते हैं कि अब गालीबाजों पर कार्रवाई होगी, तो माफ़ करिए, आप अपनी पार्टी के नेतृत्व को जानते ही नहीं। मौजूदा नेतृत्व में उसूलों के लिए खड़े होने का दम नहीं है। इनसे बहुत बेहतर आप जैसे कार्यकर्ता हैं जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। खैर, अपनी पत्नी के लिए ऐसे शब्दों को सुन उनके पति और सपा नेता व प्रवक्ता अनिल यादव ने पार्टी की प्राथमिकता व आजीवन सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने कहा, यह वह समाजवादी पार्टी नहीं है जिसका मैं सच्चा सिपाही हूँ। मेरी पत्नी के स्टेटस पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां कर रखी थी। वो अभद्र टिप्पणियां मैं समझता हूँ सभ्य समाज में किसी भी महिला के लिए नहीं होनी चाहिए, और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं वहाँ पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे उस टाइम पे लग गया कि जहाँ जिस पार्टी में रह के मैं अपने परिवार की और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उनका सम्मान सुनिश्चित नहीं कर सकता, वहाँ प्रदेश की महिलाओं की या बेटियों की बात मैं कैसे कर पाऊँगा।
तभी मैंने ये फैसला लिया कि मैं पार्टी से आज अपने सभी चीज़ों से इस्तीफा देता हूँ, जो मेरी प्राथमिक सदस्यता है, जो आजीवन सदस्य जो मैं हूँ, उन सभी उससे मैं इस्तीफा देता हूँ। इस सब के बीच पार्टी से निष्कासित समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव, जो कि फिरोजाबाद के दिग्गज नेता हैं और साथ ही अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उनका बेटा शराब के काम और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको भाजपा के साथ सांठगांठ के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल खुद भाजपा से मिले हुए हैं। हमारा मानना है ये समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी वाली पार्टी और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश की पार्टी नहीं है, ये पार्टी प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उनके बेटे की पार्टी हो गई है और इसीलिए इस पार्टी की दुर्दशा हो रही है। जिस पार्टी में अगर रामगोपाल उसके लड़के की चलेगी तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। वो यही स्थिति रही तो 2022 में इस समाजवादी पार्टी की 20 सीट के लाले पड़ जाएंगे और फरियाबाद तो साफ हो ही जाएगा, फरियाबाद में एक सीट अब निकलने वाली नहीं। तो रिपोर्ट आपने देखी, अपने नेता की भक्ति में लीन ऐसे सड़क छाप कार्यकर्ताओं और छुटभैये नेताओं को समझना चाहिए कि ये आग आपके घर भी लग सकती है। आप सपाई हो सकते हैं लेकिन समाजवादी तो बिल्कुल नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।